सीबीजी एक्सट्रीम मीटर वाटर डैमेज। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। जैसा कि आपने देखा ही है, इसका कांटे दोनों भी हिल रहे हैं। ये एक लोकल बंदे के थ्रू आया मेरे पास मीटर, उसकी बाइक का है खुद का। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका बटन टूट गया है, जो कि मोस्टली वाटर डैमेज होने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है। का बटन टूट गया है, बटन से पानी अंदर गया है और ये ख़राब हो गया है। तो वाटर डैमेज तो हमने रिपेयर कर दिया, बट इसका डिस्प्ले भी रिपेयर करना है। तो देख सकते हैं अभी ये डिस्प्ले अभी इस तरीके से कुछ शेड्स में दिख रहा है रिपेयर होने के बाद। अब डिस्प्ले को रिपेयर करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कस्टमर का थोड़ा मॉडिफाई कराना है कस्टमर को, तो इसमें हम RPM को रखेंगे रेड कलर और इसका पेट्रोल को रखेंगे हम पिंक कलर, और डिस्प्ले कस्टमर को पसंद आया है डार्क थीम में ग्रीन में, तो हम इसका डिस्प्ले रिपेयर करेंगे डार्क में। तो प्रोसेस स्टार्ट है, देख सकते हैं ये तरीका है इसका डिस्प्ले रिपेयर करने का। और ये डिस्प्ले रिपेयर हो गया है कि ख़राब शीट उतार के इस पर नई शीट लगा दी है और ये लगा दी हमने इस पर डार्क थीम। चलिए अब इसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं ब्लू लाइट के साथ में। देख सकते हैं ब्लू में ऐसा ही लुक आता है, एक्चुअली दोनों ही ब्लू ब्लू हो जाते हैं, डार्क भी ब्लू जैसा दिखता है और ये भी ब्लू हो जाता है, तो इसे ऐसा दिखता है। तो ये इसकी ब्लू लाइटें हैं डिस्प्ले वाली, और ये RPM और पेट्रोल में वाइट कलर की लाइट है। तो हम ये सब के सब चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी ब्लू लाइटें उतार लेते हैं, ये उतर गई इसकी ब्लू लाइट। थोड़ा जगह क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें दूसरी लाइट लगानी है। और ये हमारी वाइट लाइट RPM की और पेट्रोल की, इसकी जगह पे हम लगाने वाले हैं इसमें रेड और पिंक। तो ये हमारी पिंक लाइट, देख सकते हैं छोटी सी SMD है, ये पेट्रोल के साइड में लग गई। और ये बारी आई हमारे RPM साइड की, ये तीन रेड लाइट लगानी पड़ेंगी इसमें। ये देखिए ये लग गई इसमें तीनों रेड लाइट, और एक रेड लाइट उल्टी लग गई। तो अभी उसे उतारने का तरीका देखिए आप, LED को बिना ख़राब किए लाइट कैसे उतारी जाती है। ये देखिए एक नहीं जली, तो अभी हम ये देखिए दो आयरन की मदद से निकालनी पड़ती है SMD अगर गलत लग जाए तो। ये हमने निकाली और ये लगा दी सीधी करके, देख सकते हैं रेड और पिंक काफ़ी अच्छा ग्लो कर रही है। और इनके वोल्टेज में थोड़े से बाद में बढ़ाने वाला हूँ ताकि ये और अच्छा ग्लो करे और पूरा मीटर अच्छे से चमक जाए। तो ये मैंने सारा काम इसमें कर लिया है, डिस्प्ले में डार्क ग्रीन डाल के पूरा कंप्लीट रेडी कर दिया है। देखिए अब कैसा दिखता है, देखिए हमने की ऑन डिस्प्ले डार्क थीम में कितना सुंदर लग रहा है ग्रीन में, RPM रेड और आपका पेट्रोल हो गया पिंक। दिन में काफ़ी अच्छा दिखने वाला है ये, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे डे विजिबिलिटी कम रहती है इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती CBG एक्सट्रीम के मीटर में। और बहुत सारे मीटर हैं जिसमें डे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फटाफट से तो इसको पैक कर देते हैं आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए। गाइस, अगर आप मेरे से आपका मीटर रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर मुझे एक वीडियो बना के भेजना है आपके मीटर का चाबी ऑन ऑफ करने का टाइम, और मुझे कॉल करना है और मैं आपको बता दूंगा उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसकी फाइनल टेस्टिंग है, ये RPM टेस्ट हो गया है, पर ये मैं आपको अब स्पीड भी चेक करा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी जाए कि मीटर रिपेयर हो जाता है और रिपेयर होने के बाद नए से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।